हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। संडे के टाइम आज बैंड बज गया, क्योंकि रात में दूध दूध रखा था फ्रीजर में, वो फट गया था। पता नहीं कैसे फट गया, शायद फ्रीजर में था इसीलिए मैंने खींचा तानी की थी, शायद उसी वजह से फट गया। सो के उठ के देखा तो पूरा दूध की नदियाँ यहाँ से बह रही है, पूरा फ्रीजर पूरा दूध दूध। इसीलिए उसको साफ सफाई अच्छे से कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा गंदा भी हो गया था इसी वजह से साफ सफाई चालू है। जी यहाँ पे फैला हुआ है, मैं इसे पॉलिथीन में सारा सब्जी को रखती हूँ, ज्यादा दिन फ्रेश रहता है। फ्रिज साफ साफ तो हो गया था, तो बाहर मैंने रात को बनाई थी खीर बनाई थी, और मार्केट से पापा मिठाई लाए थे, तो इसी वजह से बाहर भी रख दिया था। कुछ सुबह से मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया, तो सोचा थोड़ा सा कर लूँ, एक मीठा खा लूँ, गुलाब जामुन खा लूँ, तो वही खा रही थी। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इतना पता नहीं साफ सफाई इतनी देर से मैं कर रही थी, पेट में कुछ गया भी नहीं, इसीलिए थोड़ा सा पेट पूजा भी ज़रूरी होता है। एक्चुअली बाड़ी में बहुत ज़्यादा बैंगन हो गया था, उसको लेने के लिए मम्मी और मैं आए थे, इसको ले जाऊंगी कि वो यहाँ पे कभी कभार बंदर सब आ जाते हैं ना, तो ले जाते हैं, खा जाते हैं, तो इसी वजह से मामा ने बोला कि ले लेते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। सो गाइज, आप जो देख रहे हैं उसको दोड़ो यात्रा बोलते हैं। यह हर गांव और शहर में मनाया जाता है, खासकर ओडिशा में। राधा कृष्ण के जो छोटे छोटे जुगल मूर्ति होते हैं ना, उसको विमान में ऐसे बैठा के हर जगह में, हर घर में घुमाया जाता है, और प्रसाद भी चढ़ाया जाता है उनको। और ये फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि से ये शुरू हो जाता है, उसको दोड़ो यात्रा बोलते हैं। पास में पड़ोसी के घर आए थे राधा कृष्ण जी, तो वहीं से छोटी सी क्लिप मैंने लिया था। सो इसी वजह से बहुत अच्छे से मनाया जाता है हमारे ओडिशा में। सो गाइस, ये अभी डिनर का टाइम, डिनर आज बनाया नहीं था, बाहर से ऑर्डर किए थे, नान, चना मसाला और बटर पनीर। सो आज यही है डिनर। सो गाइस, आज मेरा स्पेशल डिनर। सो आज के लिए बस इतना ही, ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, टाटा, गुड नाइट।